हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं दही बड़े लेके आई हूँ, उसका विधि आगे बताने वाली हूँ। ये बच्चे के लिए बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन। इसमें आप देखेंगे कितना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इतना ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको मैंने दो तीन चीज़ से बनाई हूँ। उड़द का दाल ली हूँ, दही ली हूँ, जो कि आगे मैं पूरा विधि आप लोग को बता रही हूँ। बहुत आसान विधि है, तो आप लोग उसको देखिए। दही बड़े बनाने की विधि हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उड़द के दाल यहाँ पर लिए हैं और कपड़ा से इनको हल्का दाल को इस तरह से हाथ को रगड़ना है, हल्के पूरे दाल को इसी तरह से पहले करना है, यानी दाल का हमने सफाई कर लिया। इसके बाद हम इसको पाउडर बनाने वाले हैं। पूरा दाल को हमने पाउडर तैयार यहाँ पे कर लिए। अब हम पानी लिए हैं और सभी जो पाउडर था सबको हम घोल के रात में छोड़ देंगे। ढक्कन लगा के इसको ढक दीजिएगा, रात भर इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमने धनिया को लिया और थोड़ा सा आदि का टुकड़ा लिए हैं। आदि को अच्छे से छीलिएगा, काटिएगा। धनिया के हम छोटा छोटा टुकड़ा करके मिक्सी के जार में रख करके थोड़ा पानी दे रहे हैं। इसको हमको अच्छा से पेस्ट जैसा पीस लेना है। अब सुबह हो गया है, रात भर ये फूला था। अब इसमें हम वो जो धनिया और अदरक जो हमने पीसा वो इसमें हम डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे, जिसमें हल्दी हम डाल रहे हैं। और इसमें हम डालने वाले हैं इसके बाद थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में लेंगे, जीरा पाउडर ले रहे हैं हम, थोड़ा सा और जीरा पाउडर ले रहे हैं, जीरा पाउडर ही हम ले रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हम गोल मिर्च पाउडर लिए। अब हमने नमक लिया, स्वाद के अनुसार आपको यहाँ पे नमक लेना है, जितना में आपका दही बड़े टेस्टी बन जाए, स्वादिष्ट बने। अब इसको खूब अच्छे से घोलना है। इसमें आपको 5 मिनट का कम से कम टाइम देना है। खूब अच्छे से घोलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घोलते हैं उतना ज़्यादा दही बड़े खिलेगा, फूलेगा, स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी दे रहे हैं। घोलने समय आपको ये ध्यान देना है कि ये बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी ना करें। अब हमने कढ़ाई में तेल डाला और हम थोड़ा सा देख दिए हैं, चेक किए कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल गर्म हो चुका है, क्योंकि वो ऊपर आ गया और फूल गया। अब हम दही बड़े डाल रहे हैं। इसमें हम दो साइज में बना रहे हैं, ये हमने बड़ा बड़ा पहले बनाई। अब इसको उलट पुलट करके बढ़िया से सिझाना है, कच्चा न रहे, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोनों साइड उलट पुलट करके बार बार इसको सिझाइए और बहुत सुंदर सुनहरा कलर हो गया है, यानी ये तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल के रख देंगे। अब हम दूसरा ले रहे हैं, जो कि हम छोटा साइज में बना रहे हैं। इसको हम हाथ से ही बना रहे हैं। एक हमने कप से बनाया, वो ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम बड़ा साइज बनाए थे। दूसरा साइज की हम छोटा बना रहे हैं, वो हाथ से ही गिरा रहे हैं। इस तरह से तेल गर्म होना चाहिए, तेज गर्म होना चाहिए, तब ये अच्छा से खिलता है। क्योंकि कढ़ाई में देखिए जाते ही ये फूल गया। इस तरह से इसको उलट पुलट करके फिर इसको बढ़िया से सिझाना है और ब्राउन कलर होना चाहिए दोनों साइड।
अच्छे से उलटिए उलटिए, और अब ये भी तैयार हो गया है। अब हमने निकाल लिया, हमारा पूरा दही वड़ा बन चुका है और देख रहे हैं कलर कितना सुंदर हो के आया है। हमने सभी दही वड़ा को पहले तेल में छान लिया। अब हम इसको पानी में डाल रहे हैं। पानी को हमने पहले खौलाया था, उसके बाद हमने इसको ठंडा कर दिए। तो बारी बारी से सभी दही वड़े को उसमें हम डालने वाले हैं पानी में, जो कि यहाँ देख रहे हैं कि सारे दही वड़ा बन चुका है, तैयार हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ अब दही लेंगे, उसमें लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, वो आप अपने अनुसार दीजिएगा, आप कितना तीखा पसंद करते हैं। वो हम दही में थोड़ा सा और मिर्च पाउडर हमने लिया। अब हमने जीरा पाउडर लिए, एक चम्मच लिए, एक चम्मच हम और लेंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं काला नमक, इसमें काला नमक ही मिलाना है, वो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सब दही को आप अच्छे से घोलिए, मिलाइए, इसको थोड़ा सा एक मिनट का टाइम दे करके मिलाना है, नहीं तो दही जैसे तैसे रहने से दही वड़ा ठीक से नहीं बनता। अब हमने जो पानी में डुबा करके दही वड़े को रखे थे, उसको हल्का सा हल्के हाथों से निचोड़ना है, तेज़ दावेंगे तो टूट जाएगा, फूट मतलब, इसीलिए आपको हल्के हाथों से यहाँ पे पानी निचोड़ लेंगे और दही में सभी दही वड़ा को हम डुबाते चले जाएंगे। इसी तरह से आपको सभी दही वड़ा में इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे अब हम एक चम्मच लिए हैं और चम्मच के सहायता से पूरे दही वड़ा को दही में हल्के हाथों से मिला, खूब अच्छे से मिलाइए, लेकिन तेज़ नहीं चलाना है, इसलिए कि टूटता भी है कभी कभी, इसीलिए इसके हल्के हल्का ही मिलाना है। इसके बाद 2-3 घंटा के बाद ही खाना शुरू कीजिएगा। इस तरह से आप रख दीजिए, और जैसे निकाल के किसी किन्हीं को भी देना है खाने के लिए, तो आप कैसे देंगे, तो उसके लिए आप एक छोटा सा कोई प्लेट लीजिए या कटोरी ले लीजिए, आपको जो सुविधा लगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ जो है प्लेट यहाँ हम लेके आई हूँ, और इसमें जो है हम दही वड़ा 2 पीस रखने वाले हैं, 2 या 3 पीस देंगे। बड़ा साइज भी है दही वड़ा का, तो 3 में ही प्लेट भर देंगे। अब उसका रस जो थोड़ा सा दही का है प्लेट वाला, दही का रस जो था दही का वो डाल रहा। अब हम दही रखे हुए हैं, 1 कप के सहायता से थोड़ा सा हम दही निकाल रहे हैं, और इसमें हमें दही रखना है ऊपर से। इसके बाद मिर्ची पाउडर इस तरह से हाथ को आप घुमाते हुए ऐसे देना है कि सभी जगह जाए, ऐसा ना कि कहीं छूट जाए, इससे कहीं तीता कम होगा कहीं तीता ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरा पाउडर ठीक उसी तरह से आपको सभी जगह देना है, पूरे दही वड़ा में पूरे प्लेट में आपको घुमाते हुए। एक जगह यदि जाता है तो स्वाद आपको ठीक से, एक ही बार में खा जाएंगे तो टेस्ट अच्छा से नहीं आएगा। इसके ऊपर से आपको डालना है काला नमक, डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम काला नमक भी ठीक इसी तरह से आपको पूरे प्लेट में, एक जगह रहेगा नमक तो सिर्फ नमक का टेस्ट आएगा, तो स्वाद अच्छा से पता नहीं चलेगा। इसके बाद चम्मच लगाइए और खाने के लिए घर में जिनको देंगे वो काफ़ी खुश हो जाएंगे।
लोग आए हैं तो इस तरह से परोस के दीजिएगा, और ज़्यादा लोग आते हैं जैसे पूजा त्यौहार में तो उस समय इस तरह से आप बड़ा सा ट्रे में लीजिएगा, बढ़िया से इसको इस तरह से निकालिएगा, बढ़िया से सजाइएगा। पूरा दही वाला हम इसमें भर लेंगे, एक एक करके इसमें सभी जगह, हमने कुछ खाली जगह बचा हुआ है वहाँ पे हम दही वाला रखने वाले हैं, और बढ़िया से इसमें रख करके सजा दीजिएगा। बढ़िया से सजाना है तो इसमें हम पूरे में दही वाला से भर दिए, और ठीक उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट प्लेट में डाला दही, अब हम ऊपर से इसमें सभी जगह दही डाल रहे हैं। सभी दही वाड़ा पे दही रख देना है, अलग से जो कटोरा में हमने दही रखा था वही दही को आपको लेना है, और सभी जगह उसमें पूरे ट्रे में आप दही डाल दीजिए, पूरे दही वाड़ा पे आप दही रख दीजिए। उसके बाद मिर्च पाउडर उसी तरह जैसे छोटा प्लेट में आपने सेट किया है उसकी प्रकार नमक, काला नमक है, काला नमक लेना ना भूलें, और इस तरह से जीरा पाउडर भी हम थोड़ा सा ले रहे हैं। इस तरह से पूरे प्लेट में आप छिटिएगा और चम्मच कई लगा दीजिएगा, जो सब लोग अपना लेके खाते रहें और टेस्ट करें। इसको कोई भी पूजा त्यौहार में इस तरह से आप सजा दीजिए। ऊपर से हमने सलाद पत्ता भी सजाया है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता भी थोड़ा सा लिए हैं, और बीच में हम यहाँ पे अभी सलाद के पत्ते रख रहे हैं, और इसके बाद देखिएगा कि देखने में इतना सुंदर लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत टेस्टी व्यंजन आज हम बताए हैं। तो इस तरह से सभी जगह हम धनिया के पत्ता रख रहे हैं, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं अब आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगी। मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग को कुछ नया से नया और अच्छे से अच्छे कुछ सिखाऊँ बताऊँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में और उतना ही स्वादिष्ट है खाने में। तो बहुत मतलब इस तरह से आप टेबल पे रख दीजिए और इसमें चम्मच लगाइए, ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं तो सभी जगह इसमें चम्मच लगाइए, निकाल निकाल के सब लोग खाते रहेंगे। अब बहुत इस तरह से चम्मच ढक्कन लगाना ना भूलें, ढक्कन लगा के टेबल पे रख दीजिए। मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगी, तो थैंक यू।